पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राजद नेता मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। जी हां, बड़ी खबर सामने आई है जिसमें एक ब्रिज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आजीवन कारावास की सजा मुन्ना शुक्ला को सुना दी गई है। मुन्ना शुक्ला ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, वैशाली से चुनावी मैदान में थे, वीणा देवी उनके सामने उन्हें टक्कर दे रही थी, चुनाव में मुन्ना शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। तो वही अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में थे मुन्ना शुक्ला, लेकिन अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर ये सामने आई है, ब्रिज बिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट में। बिहार के पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में गुरुवार को यह फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और एक शख्स को दोषी करार दिया है। मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, राजन तिवारी समेत पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने 2014 में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था। पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी और सीबीआई ने भी पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या साल 1998 में उस समय कर दी गई थी जब वे IGMS में इलाज के लिए भर्ती थे। निचली अदालत ने साल 2009 में आठ आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 1998 में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या पटना के IGIMS में कर दी गई थी। तब वो शाम के वक्त हॉस्पिटल कैंपस में वॉक कर रहे थे, उसी दरमियान वहां पहुंचे अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। उस वक्त बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। इस बड़े हत्याकांड में सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी और शशि कुमार राय को आरोपी बनाया गया था। पति की हत्या के बाद रमा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। वो शिवहर लोकसभा से सांसद रह चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने रमा देवी का टिकट काट दिया था। इस बड़े हत्याकांड की गूंज उस वक्त पटना से लेकर दिल्ली तक थी। इस केस के सभी आरोपियों के खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में ट्रायल चला था। लंबे वक्त तक चले ट्रायल के बाद 12 अगस्त 2009 को सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। लंबी सुनवाई के बाद 24 जुलाई 2014 को इस मामले में पटना हाईकोर्ट का फैसला आया था। सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सूरजभान सिंह और विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला समेत केस के सभी आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। इस कारण इनकी ट्रायल कोर्ट की तरफ से दिए गए सजा को खारिज कर दिया और सभी आरोपियों को केस से बरी कर दिया था। पटना हाईकोर्ट के फैसले ने रमा देवी खुश नहीं थी, इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी, जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर माधवन की पीठ ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किए जाने के इस फैसले में सुनवाई की। इस मामले में CBI ने भी अपना पक्ष रखा था, क्योंकि हत्या के बाद हुए बवाल के कारण उस वक्त राज्य सरकार ने केस की जाँच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी थी। अब इस पूरे मामले में मुन्ना शुक्ला समेत दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बृज बिहारी हत्याकांड में आरोपियों को अब बरी कर दिया गया है, जिसमें राजन तिवारी, सूरजभान सिंह जैसे नेताओं के नाम भी सामने आए थे, लेकिन अब इनके साथ पांच लोगों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। लेकिन मुन्ना शुक्ला के लिए ये बड़ा झटका है। मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 24 का लोकसभा चुनाव
हारे थे मुन्ना शुक्ला लालू यादव से, खुद टिकट की मांग करने उनके आवास तक पहुंचे थे, चुनावी मैदान में भी उतरे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। और अब 2025 के विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटे हुए थे, लेकिन अब 1998 के इस हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को बड़ा झटका लग गया है। मुन्ना शुक्ला समेत दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, मुन्ना शुक्ला जेल जाते हैं कब तक, और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया मुन्ना शुक्ला की ओर से सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुन्ना शुक्ला के लिए ये बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1998 के ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।